अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज हम बढ़ रहे हैं उस वीडियो की जानिब जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। How do we produce fresh water in ship? हम जहाज के ऊपर फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करते कैसे हैं? If you see behind me, you will see a lot of water. But जैसा कि एक अंग्रेज शायर ने कहा है, नाम मैं भूल गया हूँ, water, water everywhere, but not a drop to drink. It's the same situation with us. हर तरफ पानी है जरूर, लेकिन हम इसको पी नहीं सकते. That is exactly the time when you need engineers to do something for you. And engineers have designed fresh water generator. Fresh water generator basically होता क्या है कि जितना भी sea water आपको नजर आ रहा है ना, समंदरी पानी, जिसको कि हम पी नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, because obviously it is not only salty, ये सिर्फ खारा नहीं होता, ये corrosive भी होता है, ये जानलेवा भी होता है अगर आप इसको ज्यादा तादाद में पी लें तो, ज्यादा अमाउंट में पी लें तो, ज्यादा मिकदार में पी लें तो, आई थिंक ज्यादा मिकदार में पी लें तो। Now, a little bit of technical stuff. जिन जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ ली है वो सभी ये जानते होंगे कि फ्रेश वाटर की डेंसिटी इट इज 1.00000. सी वाटर जो होता है ना, इसकी डेंसिटी 1 से ऊपर होती है। इट कैन बी 1.001 अप टू 1.025, 1.029, 1.028, कॉमनली इट इज 1.025। अब टास्क आपके पास क्या आ गया? आपके पास टास्क ये आ गया कि आपने इस सी वाटर के अंदर से सारे के सारे सॉल्ट्स, सारे के सारे इम्प्योरिटीज, सारे के सारे सॉलिड्स जो कि इसको सी वाटर बनाए हुए हैं, आपने वो सब के सब रिमूव करने होते हैं। जब आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा फ्रेश वाटर। लेकिन अगर आप उसमें से सारे के सारे सॉल्ट्स निकाल भी दें तो तब भी ये जो पानी होता है ना, इसकी डेंसिटी कम तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये स्टिल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होता। इंसान इसको नहीं पी सकते। उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही बनाने के लिए, ताकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट रहे, हमें इसमें मज़ीद ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। It's time to head to the engine room. This is engine control room and we are here to show you the fresh water generator. Sare ke sare engineers ke control lage hue hain. This is the place from where they run the engine and they control the engine. Sare ke sare parameters in sare ke sare panels pe aa rahe hote hain. फ्रेश वाटर जनरेटर दिखाने का मकसद ये था कि बेसिकली द अबंडेंट वाटर दैट इज अराउंड द वेसल, हमारे पास जो होता है, हमारा एक पंप उस पानी को सक करता है, फ्रेश वाटर जनरेटर में डालता है। फ्रेश वाटर जनरेटर में हमारे पास दो चीजें हैं। एक चीज ये होती है कि हम हॉट वाटर फ्रेश वाटर जनरेटर के अंदर डालें, जो प्लेटों में से गुजरे उसे होगा क्या, सी वाटर एवेपोरेट होगा, पानी ऊपर उड़ के चला जाएगा, फ्रेश वाटर आपके सारे सॉल्ट डिपॉजिट्स नीचे रह जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमारे पास ये बॉयलर्स मौजूद है, इनकी स्टीम को भी हम यूज करके फ्रेश वाटर जनरेट कर सकते हैं। When the plates inside the exchange chamber are heated, तो आपका सी वाटर फिर एवेपोरेट होगा, अगेन सॉलिड डिपॉजिट्स, आपकी इम्प्योरिटी सारी वहीं रह जाएंगी और आपका जो पानी है जो कि फ्रेश वाटर है वो उड़ के जाके कंडेंसर में जमा हो जाएगा। कंडेंसर से फिर हमारा फ्रेश वाटर पंप उसको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उसको कलेक्शन में डाल देता है। काम फिर होता है हमारा ये कि इसमें हम ये डिसाइड करें कि कौन सा पानी इनमें से हम जो नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कौन सा पानी हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। The water that we use for drinking is called as the drinking water. Drinking water की treatment chemical से की जाती है, हमारे पास chlorine होती है, कुछ और chemicals होते हैं, उनकी specific मिकदार उस टैंक के अंदर डाल के उस पानी को इस काबिल बनाया जाता है कि वो ड्रिंकिंग वाटर हो। ड्रिंकिंग वाटर की हमारे पास टेस्ट किट मौजूद होती है और टेस्ट किट से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये पानी ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए फिट है या नहीं। हम एक दिन में तकरीबन 23 से 24 टन पानी पैदा करते हैं। जहाज पर 26 से 27 अफराद हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, सब कपड़े धोते हैं, तो ऑब्वियसली पानी का कंज्यूम काफी होता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन 400-450 टन हम पानी अपने पास स्टोर रखते हैं, ताकि ऐसे मौकों पर कि जैसे अब जहाज यहाँ पे खड़ा कर रहा है, हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पाइप फॉर फिलिंग फ्रेश वाटर इन आवर फ्रेश वाटर टैंक ऑन द पोर्ट साइड। ये जो साइड पे आपको चीज नजर आ रही है ना, ये इसका लेवल इंडिकेटर है, जो कि रिमोटली हमारे इंजीनियर्स को हेल्प करता है ये बताने में कि इस वक्त टैंक के अंदर फ्रेश वाटर कितना है।
Chief Engineer. This is freshwater generator on board ship. It's basically producing fresh water from the seawater. The seawater is more than 30,000 ppm. The water is converted into 2 ppm, which can be used as a domestic water and is a pure equivalent to your distilled water. When we are boiling water, any water, it evaporates, right? So it evaporates, it becomes steam, and then the steam is, suppose we are cooling it down on the top, what happens? It becomes distilled water. It becomes droplets. The droplets comes, and that droplets we collect. Basically, that is the simple principle. We have a heat exchanger called heat exchanger. That heat exchanger, basically, we are using our heat exchanger. The heat is from our jacket cooling water system where our engine is cooled. That cooling water, we are basically using that cooling water, and that is under temperature of 80-85 degrees centigrade. That is the heat exchanger. It passes through the heat exchanger, and that it evaporates. You may ask, how come it will evaporate in 85 degrees centigrade? That heat exchanger is situated in a vacuum chamber. When it is in the vacuum chamber, the boiling point of the water comes down and it boils at 60-70 degrees centigrade, and apparently it comes up to 80 degrees, it becomes vapor, and we have to cool it down. For cooling it, we are sending another seawater system that is called condenser. The evaporated water, which becomes steam, that comes on top and collects over there and passes through the condenser and collects over there. And that one is, we are taking it out and putting it into our domestic tankers and filling it. That is the simple principle. Afterwards, we will be using the sterilizer and the chemicals, and we will be using it as a domestic purpose. And for bathing, of course, this is more than enough. But very, very important is boiler. Boiler, we have to have a pure distilled equivalent to a distilled water that we are getting. Of course, we are from the freshwater generator principle. We get a pure fresh water, and we require for our domestic purpose as well for missionary purposes. Bada Sahab, thank you very much. Thank you. ये था हमारा इंजन रूम का टूर. मैंने आपको फ्रेश वाटर जनरेटर दिखाया, बहुत ही आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश की कि हम बेसिकली फ्रेश वाटर जनरेटर के साथ करते क्या हैं एंड हाउ डू वी एक्चुअली प्रोड्यूस वाटर ऑन शोर. जहाज एक बहुत बड़ी मशीनरी है, इट्स अ फुल सिटी, एक छोटा सा शहर है. हमारे पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स हमारे वॉयज पता है कितने लंबे लंबे होते हैं, महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीने का भी हो जाता है. अगर हमारे पास फ्रेश वाटर जनरेटर ना हो क्या करेंगे हम लोग? So this is very much required. I hope you must have enjoyed today's video. कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिली होगी. If so, consider subscribing and do like this video.